स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। छोटी सी इस विधानसभा की लड़ाई इस बार बड़ी होने वाली है। एक तरफ भाजपा जहां विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं रालोद सपा गठबंधन ने मदन भैया पर अपना दांव खेला है। किसकी चाल कितनी कारगर साबित होती है, खैर ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जानिए इस सीट के सियासी मायने। अब हम आपको बताएंगे कि रालोद ने जिस मदन भैया पर अपना दांव खेला है, आखिर वो हैं कौन। मदन भैया अपने पढ़ाई के दौरान ही दबंग छवि के साथ उभरने लगे थे। 1989 में जब जेल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव खेखड़ा सीट से लड़ा था। साल 1991 का विधानसभा चुनाव वह फिर जनता दल के टिकट पर केकड़ा सीट से लड़े। इस बार भी उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से लोक दल के प्रत्याशी रिछपाल बंसल को हरा दिया। ये तो आपने मदन भैया के राजनीतिक सफर पर नजर डाली। अब हम आपको बताते हैं खतौली विधानसभा से पिछले 5 दशकों से किन किन पार्टियों ने अपनी जीत दर्ज की है। विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को 2 बार जीत मिली है। रालोद के टिकट पर 2002 में राजपाल बालियान ने यहां जीत दर्ज की थी। 2007 से बसपा के योगराज सिंह ने यहां जीत दर्ज की। 2012 रालोद के करतार भडाना और 2017 और 2022 में भाजपा के विक्रम सैनी विधायक चुने गए। इस सीट पर भाजपा और रालोद दोनों ही पार्टी ने 2 बार जीत दर्ज की है। अब की जो जीता वो बढ़त बना लेगा। अब आपको बताते हैं इस सीट पर जातीय समीकरण क्या कहते हैं। खतौली सीट पर गुर्जर और सैनी समाज का दबदबा है। इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें 27% मुस्लिम, 73% हिंदू मतदाता है। वही 80,000 के करीब मुस्लिम वोटर है जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 40,000 दलित मतदाता हैं। सैनी समुदाय के 35,000 वोट हैं, जो जाट 27,000 हैं और गुर्जर भी करीब 29,000 हैं। ब्राह्मण 12,000 और राजपूत वोट 5,000 हैं और 10,000 कश्यप वोटर हैं। इस विधानसभा सीट का रण भी काफी दिलचस्प है। मुस्लिम अहम भूमिका निभाते हैं इस सीट पर जीत दर्ज करने में, लेकिन गुर्जर और सैनी समुदाय का खास दबदबा माना जाता है। खैर कौन क्या करेगा, क्या नतीजे आएंगे, ये तो आने वाला 8 दिसंबर को साफ होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।